हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा आलू गोश्त का सालन, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल और लौंग। यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट। यहाँ पे हमने लिया है 2 मीडियम साइज की प्याज, दालचीनी और तेजपत्ता। आइए मसाला रेडी कर लेते हैं। इन सारे मसालों को हम जार में डाल देंगे और फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी। आप इस तरह से रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं, कप पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए हमारा फाइन पेस्ट बनकर रेडी है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम कुकर में ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने प्याज को कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसमें ऐड करेंगे दालचीनी और तेजपत्ता। प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। हमें इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। देखिए इसे अच्छी तरह से हमें प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए मसाला हमें इसमें ऐड कर देना है। आप हमारी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसमें अब हम और भी मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट ऐड करना है हमें इसमें। मिर्च और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आपको पसंद हो। देखिए इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इसे थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। देखिए हम वाटर ऐड कर देंगे इसमें। इसमें हमने करीब आधा ग्लास वाटर ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे कुक करना है। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 5 से 6 सीटी तक। चलिए जब तक हमारा मटन कुक होता है, हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। मैंने लिया है 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। देखिए हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करे हुए आलू डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। आप इस तरह से रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए आलू फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। चलिए मटन चेक करते हैं। देखिए हमारा मटन अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, ये भुन चुका है अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे और इसे 1 सीटी तक हमें प्रेशर कुक करना है। इसे अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। आलू हमने फ्राई कर लिया था, इसलिए ये 1 सीटी में कुक हो जाएगा। आइए इसे चेक करते हैं।
हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार है। आप सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।